देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चंदौली में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह का होगा आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अवैध बिल्डिंग पर एलडीए का एक्शन जारी, बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। इंडोनेशिया के बाली में होगी G20 बैठक, बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए रवाना। रवि गोष्ठी में हुए शामिल, सीएम ने किसानों को किया संबोधित। राज्यसभा सांसद अजय सिंह हुए शामिल, आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर किया गया कार्यक्रम। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर वाराणसी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई पर अदालत ने 14 नवंबर तक के लिए हायरिंग स्थगित कर दी थी। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख की पत्नी किरण सिंह विसन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट को इस मामले में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस की प्रोसीडियता पर फैसला सुनाना है। रायबरेली के डीह क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा गौ सेवा की तरफ से गौ पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। इस दौरान जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी को गाय लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें पूरा धार्मिक सामाजिक और औषधीय सम्मान के साथ रखना चाहिए। अलीगढ़ की तहसील इगलास के नगर पंचायत इगलास में 30 वर्षों से जनरल आरक्षित सीट आने से हर बार एसीसी व बीसी वर्ग के लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार बीसी व एसीसी में सीट लाने की मांग को लेकर सांसद राजवीर दिलेर को शिकायत पत्र दिया गया है। वहीं सांसद ने इस मामले को लेकर लोगों को आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रजाक बीसी वर्ग को चेयरमैन के दावेदार हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे जब से नगर पंचायत हुई इगलास की, जब से जनरल में सीट रहती है, और हम तो ये चाहते हैं कि भाई वो बीसी और एससी के भी लोग, उनको भी अधिकार मिले यहाँ पे आके। तो क्या किस तरह की मांग वगैरह की गई आपके द्वारा? मेरा यही है कि सीट बदले, किस में आनी चाहिए, बदल जाए किसी में, वो एससी में आ जाए बीसी में आ जाए, भाई सबको अधिकार मिलने का हक है, अधिकार मिलना चाहिए। सांसद जी ने किस तरह का आश्वासन दिया है? कह दिया है उन्होंने, चलो देखते हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने हमको। नहीं, मुझे आज उन्होंने एक पत्र दिया है, वो पत्र में उन्होंने मांग रखी है कि 30 वर्षों से ये सीट जनरल की होती चली आई है, अब ये सीट एससी या बीसी में होनी चाहिए। मैं इसको सरकार के लिए अनुमोदन करके ऊपर भेजता हूँ, ये सरकार का निर्णय होगा कि सीट को किस आरक्षण के अंतर्गत देते हैं। क्या मानते हैं सांसद जी, लंबे समय से ये सब चल रहा है, इसका वो होना चाहिए? नहीं, देखिए ये सब जातिगत आंकड़ों के हिसाब से सीट को डिवाइड करती है सरकार, और अब निर्णय सरकार के ऊपर दिया जाता है। हम अपनी प्रार्थना को, उनकी प्रार्थना को लेके दे देंगे उनको। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह पश्चिम प्रांत सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यूपी की नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, जनता के टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसके साथ ही कहा कि दिल्ली में आबकारी नीति पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद हैं। बंधुओं को नमस्कार। आज
नहीं रोला। बुलंद शहर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन नगर निकाय के चुनाव को लेकर है। नगर निकाय का चुनाव जो संभवतः दिसंबर या जनवरी में होगा, उस चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। क्या कर रहे हो यार, जो भी हमारे चेयरमैन के और सभासद के प्रत्याशी होंगे, नगर निगमों में मेयर और पार्षद के प्रत्याशी होंगे। रायबरेली में लालगंज के बहरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इसके बाद ही पुलिस परिजनों के साथ भी पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में कोहडोर रेलवे स्टेशन के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं दोनों भाइयों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों बच्चे गेम पकड़ने जा रहे थे, पीछे से एक बड़ी स्पीड से जो कि प्रतापगढ़ से एक बड़े ट्रांसपोर्ट कर की गाड़ी बताई जा रही है, पीछे से ठोकर मारा तो दोनों बच्चे के ऊपर चढ़ते हुए चली गई। शासन प्रशासन से मांग है इन परिवार के दोनों बच्चों को कुछ न कुछ मुआवजा और घर की जीविका चलाने के लिए शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और इसमें जो भी गाड़ी है उसको डिटेल निकाल के सख्त कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को मुआवजा जरूर दिलाया जाए। शासन प्रशासन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद बोलो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ेंगे। प्रेम, भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें दो सगे भाइयों की मौत हो गई है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दिए, जनपद प्रतापगढ़ के कोड़ोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बताया जाता है कि दोनों सगे भाई रेलवे स्टेशन की तरफ निकले थे। दोनों सगे भाई जैसे रेलवे स्टेशन के पास जा रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के दौरान वो उस ट्रक के नीचे आ गए, जिसके दौरान वो दोनों पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। बता दें कि मामले की जानकारी पाते ही मौके पर कोड़ोर पुलिस पहुंची और दोनों को मृतक मौके पर ही पाया गया, वहीं तत्काल पीएम की कार्रवाई देखी गई। जी बिल्कुल, बता दें कि जहां दोनों सगे भाइयों की मौत को लेकर परिवार में पूरी तरीके से कोहराम का माहौल है, पूरे परिजन एकदम दुख भरे भीगे पड़े हैं, कहीं ना कहीं ये प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना है। जी धन्यवाद प्रेम तमाम जानकारियों के लिए। रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र ग्राम हरदी में शिवपुर हुसैनाबाद गांव के सुरेश के घर में खाना बनाते समय आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आनन-फानन में ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने इलाज के बाद सुनीता को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे हल्का लेखपाल और ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि, सर्जन ने जांच कर संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी है। हुसैनाबाद की एक सुनीता और एक अरुण कुमार, दो व्यक्ति जले हुए अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो आए थे, जिसमें सुनीता जो है, पति का नाम सुदेश है, हुसैनाबाद थाना खीरो रायबरेली की निवासी है। इनकी स्थिति गंभीर थी, इनकी पूरी पीठ और पूरे हाथ जो है वो जल गई थी, जिनके लिए उनको बर्न वार्ड के लिए जिला अस्पताल रायबरेली में रेफर कर दिया गया है। लड़का जो अरुण कुमार है उसको कम जो है जला हुआ है, पैर में केवल हल्का जला हुआ है, तो उसको अभी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो में। खबर गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कठूत गांव मां बेटी घर में अकेली रह रही थी, वहीं दोनों की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने दोनों महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही डबल मर्डर के पीछे जमीन संबंधित विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जो है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना का इस गांव में जो है एक 75 साल की महिला
और लगभग 35-40 साल की दूसरा महिला, दोनों महिलाओं का गला दबा के मारने वाला घटना है। इसमें दो महिलाओं का मृत्यु हुई है। इसमें घटनास्थल पर मैं पहुंच गया हूं और कप्तान साहब और एडिशनल एसपी साहब पहुंचे हैं, और अभी तक जो प्रकरण का प्राथमिक संज्ञान लेते हुए हम लोग पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल किया जा रहा है। बुलंदशहर के सियाना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जिला बदर आरोपी सागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को हापुड़ मार्ग के पास एक होटल से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज दिनांक 13 नवंबर 2022 को थाना सियाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अपराधी सागर पुत्र ब्रह्मजीत, निवासी ग्राम करौठी, थाना सेना, जिला बुलंदशहर, थल तिराहे के पास अरुमा होटल से गिरफ्तार किया गया है, जिसे पूर्व में श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 6 माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया। बुलंदशहर नगर क्षेत्र में 3 नवंबर को धमेड़ा अड्डे पर सराफ की दुकान में हुई लूटपाट में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी लूट व गोलीकांड में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने 2 तमंचे व लूटे हुए आभूषण बरामद किए हैं। दिनांक 3/11/2022 को लगभग 4:30 के आसपास एक घटना होने की सूचना आई थी कि एक ज्वेलर्स थे, उनकी दुकान पर गोली मार करके लूटपाट कर रहे थे। इस सूचना पर हमारी टीम, सारे अधिकारी मौके पर पहुँचे, छानबीन की गई, तमाम बिंदु उसमें थे, तमाम फुटेज वगैरह भी खंगाले गए, तमाम जो सर्विलांस हमारे काम था उसकी मदद ली गई। हम सब सारी चीज़ों से जो चीज़ें निकल के आई, तथ्य निकल के आया, उसमें ये निकल के आया कि एक व्यक्ति है सचिन नाम लड़का है, जो उसी जहाँ पर घटना हुई उसी के पीछे का गाँव है जशनावली को, वहाँ रहने वाला है। वह जो हमारे मेन अभियुक्त जिन लोगों ने इसमें गोलियाँ चलाई और लूटपाट की, उनके साथ वो फाइल ही रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।